और देखिए एससी एसटी आरक्षण को लेकर आज राजस्थान बंद का आह्वान किया गया है। जयपुर समेत 16 जिलों के स्कूलों में छुट्टी, परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। भरतपुर में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगी और बंद को कांग्रेस ने अपना समर्थन दे दिया है। जयपुर के कई व्यापारिक संगठन भी इसके साथ हैं और अजा जजा संयुक्त संघर्ष समिति ने बंद की सफलता के लिए टीमें बनाई है। बंद के समर्थन में राजधानी में रामनिवास बाग से बड़ी रैली शुरू होगी। ये रैली चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार, सांगानरी गेट और एमआई रोड होते हुए रामनिवास बाग में आकर खत्म होगी और इसके बाद एससी एसटी आरक्षण को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। राजस्थान बंद को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने एडवाइजरी जारी की है सभी थाना क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। यह एडवाइजरी जारी की है पुलिस कमिश्नर ने। एडवाइजरी में शांतिपूर्वक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। कानून व्यवस्था नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। यातायात कानून और शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जाब्ता तैनात रहेगा। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। राज्य और जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष कानून व्यवस्था संबंधित जानकारी अपडेट करेंगे। और ये कोटा की तस्वीर आपको बता रहे हैं। देखिए बाजार पूरे बंद है और किस तरीके से एसटी एससी आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़े लोग आवाहन कर रहे हैं बंद का और शांतिपूर्वक यहां पर संघर्ष समिति की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। और जोधपुर से भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए जहां पर बंद के आवाहन पर पूरा पुलिस बल तैनात है, चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं और भारत बंद के दौरान पुलिसकर्मी अपनी लगातार सेवाएं दे रहे हैं। एसटी एससी आरक्षण को लेकर बंद का आवाहन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत बंद का आवाहन किया गया। और बांसवाड़ा की तस्वीरें आपको बता रहे हैं। देखिए जहां पर एससी एसटी आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़े लोग मजिस्ट्रेट पहुंचे और मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर यहां पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। और सीकर से आपको तस्वीरें दिखा दे। देखिए यहां पर भी लोगों ने जमकर नारेबाजी की और यहां पर अपना विरोध दर्ज करवाया और पूरी तरीके से आज देखिए भारत बंद है, एससी एसटी आरक्षण संघर्ष समिति का प्रदर्शन। और हालांकि इस संघर्ष समिति का प्रदर्शन जो है काफी शांतिपूर्वक किया जा रहा है। और हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता लोकेश ओला। लोकेश, पूरी तरीके से शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जा रहा है संघर्ष समिति के द्वारा और देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेटमेंट दिया गया उसके बाद भारत बंद का आह्वान किया गया, फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ तस्वीर आप भारत बंद के दौरान देख पा रहे हैं? गुनगुन, एससी एसटी संघर्ष समिति की ओर से बंद का आह्वान किया गया। राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है और व्यापारिक प्रतिष्ठा जिसमें चार दीवारी के सभी बाजार है वो बंद है। इसके अलावा जो शिक्षण संस्थाएं बंद है और अन्य जो प्रतिष्ठान है वो भी बंद रखे गए हैं। इसके अलावा बात करें तो आज संघर्ष समिति की ओर से राजधानी जयपुर में रैली निकाली जाएगी। अल्बर्ट हॉल पर लोग इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं संघर्ष समिति के। मेरे सहयोगी के जरिए मैं यहाँ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि कुछ लोग हैं वो यहाँ अभी पहुँचे हैं और आग्रह कर रहे हैं शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन रैली को लेकर। और ये रैली करीब एक घंटे बाद रामनिवास बाग से रवाना होगी जो सीधी चौड़ा रास्ता, त्रिपुलिया बाजार, बड़ी चौपड़, झोरी बाजार, सांगानेरी गेट, एम आई रोड होते हुए पुनः रामनिवास बाग आकर समाप्त होगी। इसके बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। तमाम जो संघर्ष समिति के सदस्य है और एस सी एस टी समाज के जो तमाम जो सामाजिक लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम बातचीत भी यहाँ समाज के प्रतिनिधियों से हम करेंगे किस तरह से आंदोलन को और आगे बढ़ाया जा रहा है। आज रैली निकाली जा रही है, शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहा है, क्या मांग है और किस तरह से इस आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए 1 अगस्त 2024 को माननीय उच्चतम न्यायालय का जो वर्गीकरण को लेकर जो फैसला आया था हम उससे सहमत नहीं है। केवल हम ही सहमत नहीं है, जस्टिस बेला त्रिवेदी जी भी इस फैसले से सहमत नहीं थी। चिन्नैया केस में पहले भी 5 सुप्रीम कोर्ट के जज इस फैसले से सहमत नहीं थे, तो 6 जज तो पहले से ही असहमत हैं। अब 6 जज अगर किसी बात पे कोई फैसला कर लेंगे तो जो है
भारत में जो अनुसूचित जाति जनजाति की जो 25% जनता है उस पर ये एक कुठाराघात समझते हैं हम, क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। अगर इस बारे में कोई फैसला भी करना है, चर्चा भी करना है, तो पार्लियामेंट और राष्ट्रपति आर्टिकल 341 और 342 में उन्हीं को ये अधिकार है, तो हम इसको माननीय उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर मानते हैं। और आरक्षण में एक जो टिप्पणियां की गई है उस फैसले में, क्रीमी लेयर को टिप्पणी कर दी गई है। क्रीमी लेयर तो कोई मुद्दा ही नहीं था इसमें, विचारणीय बिंदु ही नहीं था जो इन लोगों ने तय किए थे कि हमें इन इन बिंदुओं पे बात करनी है। जब इंदिरा सानी केस में ओबीसी को जब क्रीमी लेयर लगाया था तो पहले ही ये तय कर दिया गया था कि ये एससी एसटी पे लागू नहीं होगा, और 9 जजों की बेंच ने जब फैसला कर दिया तो उस पे 1-2 जज ये ऐसे टिप्पणी कैसे कर सकते हैं, ये हमारे लिए बड़ा विचारणीय विषय है। आज रैली निकाली जा रही है, आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास कर रहा है, किस तरह शांतिपूर्वक ये रैली निकाली जा रही है? ये अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो फिल्म शुरू होगी। बहुत सारे संगठन यहाँ पर आ रहे हैं और हम शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम भारत बंद का मैसेज देंगे। पूरे राजस्थान के अंदर आज पूरा सफलता पूर्वक भारत बंद होगा। हिंदुस्तान में जो आंदोलन हमारा जो चल रहा है, वो हमारी मांगे आज भारत बंद से पूरी नहीं होगी। हम जब तक हमारे हितों पे कुठाराघात होगा और जब तक अध्यादेश लाके सरकार हमारे इस फैसले को वापस नहीं लेगी, तब तक न सोएंगे और न सोने देंगे। कई राजनीतिक पार्टियों का समर्थन भी दिया जा रहा है, शांतिपूर्वक हो और अपने हक की लड़ाई यहाँ लड़ी जा रही है। देखिए, कल पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष डोडासरा जी और टीकाराम जूली जी ने भी कहा है कि वो बाबा साहब के बने हुए जो संविधान है उसके साथ है, क्योंकि देखिए आर्टिकल 15 और 16 में भी साफ ये बताया गया है कि जो हमें आरक्षण मिला है वो आरक्षण असमानता के आधार पर मिला है, ना कि किसी आर्थिक आधार पर मिला है। तो जिस तरह का अभी ये निर्णय लिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रीमी लेयर उपवर्गीकरण का, मुझे लगता है कि ये जो अनुसूचित जाति और जनजाति है इसमें एक भेदभाव उत्पन्न करने वाला है। हमने देखा कि आज भी किस सदी में किस तरीके से अगर घोड़ी चढ़ने पर एक दलित को मार दिया जाता है, मूछ रखने पर किस तरीके से दलितों को मार दिया जाता है, और किस तरीके से दलितों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। आज 21वीं सदी में भी बाबा साहब ने जो संविधान की रूपरेखा रखी थी ताकि हम एकजुटता से एक समान रूप से लोगों के बीच में आ सके, उस चीज को अभी तक लागू नहीं होने दिया जा रहा है। और जिस तरह से अब उपविभाजन की रणनीति देखी जा रही है, संपूर्ण एससी एसटी ओबीसी और अन्य संगठन, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन संगठनों का भी जिन्होंने इस भारत बंद को समर्थन दिया है, उन सभी लोगों का जो इस बात को समझते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से जो सोसाइटी है, जो पदाधिकारी, उन्होंने निर्णय लिया है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से इस सफल का आयोजन बनाएंगे। अभी जो हमारे अधिकांश लोग हैं वो अपनी कॉलोनियों में, अपने एरिया में, और वहां से सब इकट्ठे यहां पर होंगे, यहां से फिर हम जयपुर शहर के अंदर घूमेंगे और लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से बंद का आह्वान करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से बातचीत की और जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसके खिलाफ ये आंदोलन वो किया जा रहा है, समाज को, जातियों को, एस सी एस टी वर्ग को बांटने का जो आरोप लगाते हुए आज भारत बंद का आह्वान किया गया, उसको सफल और शांतिपूर्वक भारत बंद करने के लिए तमाम जो संगठन है वो संघर्ष समिति के साथ में एक साथ आए और विभिन्न स्थानों पर रैली प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी जयपुर में कुछ देर में आमनेस बाग से रैली शुरू होगी, जो चारदीवारी में चौड़ा रास्ता, त्रिपुलिया बाजार, जोहरी बाजार होते हुए उन्हें रामनेस बाग पहुँचेगी। जी गुनगुन, शुक्रिया आपका लोकेश तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, जयपुर से हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई आरक्षण को लेकर, एससी एसटी आरक्षण संघर्ष समिति का ये शांतिपूर्वक भारत बंद का प्रदर्शन, और आज देश भर में भारत बंद है। और हमारे साथ कुणाल भी, हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। कुणाल, फिलहाल क्या कुछ तस्वीर अभी इस वक्त भारत बंद की देखी जा रही है? सुबह से ही सारे बाजार, संस्थाएं सब बंद हैं, अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट भारत बंद को लेकर? देखिए गुनगुन, आपको बता दें कि जैसा कि आज के दिन भारत बंद का ऐलान किया गया था, इसको देखते हुए स्कूल और कॉलेजों को जो है बंद करने के आदेश दिए थे। अभी मैं जयपुर के गोपालपुरा एरिया में हूँ, जहाँ पर अधिकांश जो है कोचिंग संस्थान है। अगर यहाँ का अगर हम नज़ारा देखें तो आज ये जो इलाका है वो सुनसान है, क्योंकि कल जो आदेश निकला था जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने जो आदेश निकाला था उसमें जो है स्कूल और कोचिंग संस्थान को बंद करने की बात कही थी। तो गोपालपुरा एरिया में अगर हम अगर तस्वीरें देखें तो बंद का जो है व्यापक स्तर पर जो है असर देखने को मिल रहा है। जो कोचिंग संस्थान यहाँ पर स्थित है वो पूरी तरह से जो है बंद है।
ठीक है, फिलहाल कुणाल प्रशासन की ओर से अभी फिलहाल क्या कुछ व्यवस्थाएं, जिस इलाके में आप खड़े हैं अभी फिलहाल प्रशासन कैसे वहां पर अलर्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत बंद है और पुलिसकर्मी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो फिलहाल क्या कुछ जानकारी व्यवस्था को लेकर? देखिए, वैसे तो यहाँ पर जो दुकानें हैं और कोचिंग संस्थान है जो बंद है, अभी तक जो है किसी भी तरह की यहाँ पर कोई हलचल जो है नजर नहीं आई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सुरक्षा के मद्देनजर कोई कोई बातचीत ना हो जाए, कोई विवाद ना हो जाए, इसको देखते हुए जो है यहाँ पर भी अगर हम देखें तो जो मुख्य चौराहे हैं यहाँ पर उन पर जो है पुलिस जाप्ता और पुलिस की गाड़ी तैनात है, और जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर जो है पैदल जो है गश्त करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और अभी तक क्योंकि जो है शांतिपूर्ण जो जयपुर में हमने तस्वीर दिखाई, पहले चारदीवारी से तस्वीर दिखाई और अभी गोपालपुरा में हम मौजूद है, तो अभी तक जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है भारत बंद जो है किया जा रहा है, और इसका असर जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किसी तरह की कोई घटना ना हो, किसी तरह की कोई विवाद ना हो, जो है सहमति से भारत बंद जो है की जाए, दुकानें बंद की जाए, प्रतिष्ठान बंद किया जाए, इसको लेकर जो है पुलिस जाप्ता भी तैनात है। जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो कोचिंग संस्थान, तमाम कोचिंग संस्थान है आज इनमें जो है अवकाश है, और क्योंकि कल जिस तरह से आदेश आए थे उसके बाद जो है, क्योंकि ये इलाका बच्चों से जो है कोचिंग संस्थान, यहाँ पर हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन बंद के कारण जो है आज बच्चे यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, और कह सकते हैं कि बंद का सीधा असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी गुरु, ठीक है, शुक्रिया कुणाल आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, जयपुर से लाइव तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां पर आज सभी बाजार बंद हैं, संस्थाएं बंद हैं, सभी दुकान बंद हैं और पूरी तरीके से स्कूल बंद हैं, और 16 जिलों में यहां पर स्कूल बंद रखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद SC ST आरक्षण संघर्ष समिति का ये भारत बंद का आह्वान, और आज पूरी तरीके से भारत बंद है, और ऐसे में यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा बल तैनात है और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, ताकि किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो। और जयपुर के तमाम इलाकों की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जहाँ पर भारत बंद किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से बाहर व्यवस्थाएं हैं, पूरी तस्वीर हमने आपको दिखाई। और देखिए, ये सुरक्षा बल के जवान जो हैं, सुरक्षा जवान जो हैं, वो यहाँ पर तैनात है, पूरी तरीके से एक एक चीज पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके के हालात हमने 2018 में देखे जब भारत बंद का आह्वान हुआ था, तो जिस तरीके की घटनाएं देखी गई थी उसी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, किसी भी तरीके की चूक ना हो, किसी भी तरीके की घटना ना हो, लोग जो है वो सुरक्षित महसूस करें, लोगों में भारत बंद के चलते डर का, भय का माहौल ना हो, इसी को बनाए रखने के लिए यहाँ पर पुलिसकर्मी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और देखिए, जयपुर से लाइव तस्वीरें, जहां पर पुलिस सुरक्षा बल पूरी तरीके से तैनात है और तमाम संगठन जो हैं आज बंद हैं, भारत बंद का आह्वान किया गया है SC ST मोर्चा द्वारा, और कलेक्टर को आज रैली निकालेंगे और कलेक्टर को आज ज्ञापन सौंपेंगे, और तमाम जो उनकी मांगे हैं उनको ज्ञापन में, और लोकेश ओला हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। लोकेश, फिलहाल काफी अभी समय बीत चुका है भारत बंद को लेकर, और अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि सुबह से हमने देखा, जयपुर की तस्वीर देखी कि भारत बंद के दौरान जयपुर में क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसी तस्वीर नजर आ रही है बाहर इलाकों में। अभी फिलहाल भारत बंद को लेकर क्या कुछ अपडेट और किस तरीके का माहौल अभी बाहर नजर आ रहा है? जिस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद करते हुए शांतिपूर्वक ये भारत बंद हो,
इसको सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्थाएं पहले से की गई। और जो अल्बर्ट हॉल रामनिवास बाग से कुछ देर में जो रैली शुरू होगी, लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो गया, उससे पहले ही मैं तस्वीरें यहाँ दिखाना चाहूँगा सुरक्षा की, किस तरह की व्यवस्था यहाँ की गई है। और वो तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो QRT की टीम में साथ ही जो RAF की जो टीम है वो यहाँ तैनात की गई है ताकि किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो। पूरे जो सुरक्षा का इंतजाम यहाँ किया गया है और जो हथियारबंद जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ तैनात किए गए हैं ताकि अगर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल तो स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके। इसी के साथ में जो सामाजिक संगठनों के लोगों से भी समझाइश करने का प्रयास है वो यहाँ पुलिस प्रशासन की ओर से किया गया। और जिस तरह से किसी भी तरह से अव्यवस्था नहीं हो, पूरी जो सावधानी हो उसको लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तस्वीरों में यहाँ जो मेरे सहयोग के जरिए दिखाना चाहूँगा कि जहाँ जो तमाम पुलिस के जो अधिकारी है, एडिशनल SP साथ ही डिप्टी और अन्य जो अधिकारी है वो अल्बर्ट हॉल पहुँच चुके हैं, वो पूरी ध्यान रख रहे हैं। हम बातचीत यहाँ करेंगे कि किसी तरह की अव्यवस्था यहाँ नहीं हो। सर दरअसल आप जो तस्वीरें यहाँ देख रहे हैं कि पुलिस के तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पहुँचे, समझाइश भी यहाँ इन सामाजिक संगठनों के लोगों से की है ताकि किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो, शांतिपूर्ण तरीके से ये धरना ये रैली निकाली जाए। और आपको अल्बर्ट पुल के सामने का जो नज़ारा है वो भी मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो हथियारबंद जो जवान है वो यहाँ तैनात किया गया, RAF के जो तमाम जो जवान वो एक टुकड़ी यहाँ तैनात की गई है ताकि अव्यवस्था नहीं हो। और पुलिस के अधिकारी हमारे साथ मौजूद है। सर सुरक्षा व्यवस्था साथ ही आमजन में अविश्वास नहीं हो इसको लेकर किस तरह से यहाँ तैनात की गई, क्योंकि रैली अब कुछ देर में शुरू होगी? रैली 11 बजे शुरू होगी, यहाँ से अलग अलग ग्रुप्स आके पैसे असेंबल होंगे और यहाँ से ये त्रिपोलिया से बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार, सांगानेर गेट और फिर वापस यहीं आके विसर्जित हो जाएंगे। यहाँ से RAF की टुकड़ी भी यहाँ तैनात की गई है वैसे ही एहतियात के तौर पर, बाकी अभी तक सब शांति से चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ हो। अतिरिक्त जाप्ता तैनात किया गया है 4 दीवारी और जो जिस रास्ते से रैली निकलेगी वहाँ पर सभी रास्तों पे फिक्स पिकेट्स लगा रखे हैं, मोबाइल ने काम कर रही है, रिजर्व से भरपूर जाप्ता है और शांतिपूर्ण ही चल रहा है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण हो, मोबाइल यूनिट हर रास्ते पे लगाई गई है और साथ ही जो एहतियात के तौर पर जहाँ पर RAF के जो टुकड़ी है वो भी तैनात की गई ताकि किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो, अशांति नहीं हो और जो इनकी ओर से जो विरोध प्रदर्शन करना है, रैली जुलूस निकालना है वो शांतिपूर्वक निकाला जाए। जी लोकेश, बिल्कुल देखिए जयपुर की तस्वीर आपने जो दिखाई जहां पर बिल्कुल भारत बंद का आह्वान जो है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण चल रहा है, लेकिन इसी के चलते कई जिलों से अव्यवस्था की भी जो जानकारी है वो सामने आई है, जैसे कि पाली जो जगह है जहां पर बताया जा रहा है कि जो संघर्ष समिति के लोग हैं उन्होंने जबरन दुकानें बंद करवाई है लोगों से, और आगरा में भी कई जो रोडवेज बसें हैं वो ना चलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों में एक अस्त व्यस्त माहौल बना हुआ है कि किस तरीके से भारत बंद का ये जो पूरी व्यवस्था है ये कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक है तो कहीं थोड़ी सी अस्त व्यस्त नजर आ रही है। बिल्कुल, जिस तरह से बात करें तो भारत बंद का जो आह्वान संघर्ष समिति की ओर से किया गया, कई जिलों के अंदर जो जबरदस्ती बाजार प्रतिष्ठान बंद कराने की खबरें आ रही है, लेकिन राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर के अंदर अलग अलग टीमें गठित की गई संघर्ष समिति की ओर से, उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जाकर अपने अपने बाजार बंद करवाने का काम जयपुर में भी यूनिटों टीमों द्वारा किया गया और सभी टीमें चारों तरफ से पहुँचकर सीधी अल्बर्ट हॉल पर पहुँचेंगी, यहाँ से एक साथ एक रैली और जुलूस निकाला जाएगा। तो ऐसे में किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो और आमजन में विश्वास का माहौल नहीं हो ये एक महत्वपूर्ण है और उसी को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने आज सभी बाजारों में, सभी प्रमुख चौराहों पर और सभी स्थानों पर जो पुलिस के अतिरिक्त जाब्ते हैं वो तैनात किए गए, मोबाइल यूनिट तैनात की गई और पूरे शहर के अंदर करीब 3,000 पुलिस कर्मियों का पहरा लगाया गया है ताकि कहीं पर भी अगर जोर जबरदस्ती जो सुरक्षा का माहौल बने वहाँ पर तुरंत जो पुलिस जाब्ता पहुँच सके और स्थिति को कंट्रोल में किया जा जाए, ये सुनिश्चित करते हुए
शांतिपूर्ण तरीके से इस बंद को सुनिश्चित करवाने का जो प्रयास है वो पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। जी लोकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम हमारे दर्शकों को भारत बंद की कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। जयपुर से देखिए ये भारत बंद की तस्वीरें, अजमेर में प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हुए समिति के लोग, जोधपुर में किस तरीके से सुरक्षा बल पूरा तैनात है, अलवर में देखिए बाजार जो है वो सुन पड़े हुए हैं, झालावाड़ में भी यही हालात हैं, और दौसा से ये तस्वीरें और शाहपुरा से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीकर में देखिए लोगों ने किस तरीके से नारेबाजी कर ज्ञापन की तैयारी जो है कलेक्टर को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं और नारेबाजी कर विरोध जता रहे हैं। और डीडवाना में देखिए पूरी तरीके से बाजार बंद है, संस्थाएं प्रतिष्ठान सब बंद है। कोटा में देखिए प्रदर्शनकारी किस तरीके से वाहनों पर बैठकर, दोपहिया वाहनों पर बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं और विरोध दर्ज कर रहे हैं। नीम का थाना से तस्वीरें आपको दिखा रहा है सच बेधड़क, जहां पर देखिए पूरा बाजार जो है वो बंद पड़ा हुआ है। बांसवाड़ा से तस्वीरें और हमारे साथ दौसा से हमारे संवाददाता विष्णु आशीर्वाद लाइव जुड़ चुके हैं। विष्णु, दौसा में भारत बंद किस तरीके से देखा जा रहा है, क्या वहां पर माहौल है, लोगों में वहां पर किस तरीके का माहौल है भारत बंद को लेकर, पूरी जानकारी दौसा से दे दीजिए। और देखिए भारत बंद की तस्वीरें हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई, अलग अलग जिलों की, अलग अलग इलाकों की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जहां पर भारत बंद का आह्वान आज। और विष्णु एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, दौसा में फिलहाल क्या कुछ तस्वीर आप भारत बंद को देकर लेकर देख सकते हैं, किस तरीके का माहौल वहां पर है, प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, या फिर किसी तरीके की चूक वहां नजर आ रही है, क्योंकि भारत बंद कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक प्रदर्शन तो हो रहा है लेकिन कहीं अव्यवस्था की भी जानकारी सामने आ रही है। दौसा में फिलहाल क्या कुछ माहौल? तो आपको बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो आरक्षण विरोधी जो उसी को लेकर आज जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला आया है ST/ST के आरक्षण संबंधित, उसी के विरोध में लेकर आज दौसा जिले में भारत बंद का आह्वान है। और इसी को लेकर सुबह से ही जो मुख्य बाजार है आप मेरे पीछे देख सकते हो कि जो दुकानें हैं वो बिल्कुल सुबह से ही नहीं खुली है और प्रशासन ने भी चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है। हालांकि जो बाजार में है जो इक्का दुक्का वाहन गुजर रहे हैं उन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है, प्रशासन ने भी जो सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। और आज जो और चलिए अब आपको सुनाते हैं मंत्री जावर सिंह खरा क्या कुछ कह रहे हैं। और